नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी चीज दिखाने जा रहे हैं जो कि हमने आज ही मंगाई है, और वो है ब्रश कटर। आपने YouTube जो लोग देखते हैं उन्होंने देखा होगा कि एस राजा जो एक अहमदगढ़ में कंपनी है उसका ब्रश कटर काफ़ी प्रचलित हुआ है काफ़ी दिनों में, तो हमें भी काफ़ी कामों के लिए इसकी ज़रूरत थी तो हमने आज मंगाया है। और चलिए आज हम इसकी ओपनिंग करने जा रहे हैं, इसको डेमो इसका तो मैं आपको आप इसका डेमो और इस पर रिव्यू मैं अपने अगले वीडियोस में दूंगा, लेकिन आज चलिए हम इसकी ओपनिंग करते हैं और देखते हैं कि 18,500 में इन्होंने हमें 52 HP का 4-स्ट्रोक ब्रश कटर हमने मंगाया था। देखिए हमें आज क्या मिला है, देख सकते हैं ये एस राजा का लोगो है और ये देखिए आज हमें इसकी दो बॉडी मिली हैं, दो बॉडी मतलब तीन बक्से मिले हैं, एक बक्सा ये छोटा, एक इसमें नीचे इसी के साथ सेम पैकिंग में है दूसरा बक्सा, और ये तीसरा ये शायद उसका हैंडल है। तो हम इसकी भी ओपनिंग करेंगे और ओपनिंग करके हम आपको खोल के दिखाते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिला है। ये देखिए ये है इसका मेन बॉडी, ये जिसे हैंडल कह सकते हैं, देखिए ये पहला वाला जो बॉक्स हमने अनबॉक्स किया है इसके अंदर ये दो चीजें मिली हैं, एक तो इसकी ये मेन हैंडल है आप देख सकते हैं, यही वो चीज़ है जिसमें हम अपने सारे इंप्लीमेंट्स अटैच करेंगे। यहाँ पे इसको कसने का स्क्रू नट बोल्ट्स हैं, यहाँ पे ये शायद इसका जिसे एक्सीलेटर कहते हैं जिसे हम इसको तेज धीमा कर सकते हैं, ये इसका ऑन ऑफ स्विच है। अभी हमने इसके बारे में डिटेल पढ़ी नहीं है कहीं, लेकिन ये सब जो अनुमान लगा रहे हैं, और ये शायद इंजन से अटैच होने वाली केबल है। चलिए तब तक अगला बॉक्स अनबॉक्स करते हैं। तो ये देखिए दूसरा बॉक्स भी हमारा खोलने को तैयार है, चलिए इसे निकालें देखें इसमें क्या क्या है। ये जो दूसरा बॉक्स है, हट जाओ बोलो, ये देखिए ये जो सेकंड बॉक्स है इसमें ये टिलर है, जैसा आप जानते होंगे ये जो मिट्टी वाली ज़मीन है, जैसे कंकड़ वाली ज़मीन जिसमें कंकड़ ज़्यादा होते हैं उसका हॉगर अलग होता है, उसका बड़ा लंबे लंबे टाइप होते हैं, और ये इस तरह का है, इसका निराई गुड़ाई के लिए उपयोग कर सकते हैं दो क्यारियों के बीच में। ये टूल किट है इनकी, ये नापने के लिए है, इंजन ऑयल वगैरह शायद नापने के लिए है, और ये कलेक्टर है क्रॉप कलेक्टर। ये शायद हैंडल का पार्ट होगा, ये नायलॉन ट्रिमर देखिए, अच्छा ये छोटा है या ऐसा कोई कमी है, ये जो बहुत छोटा तार दिख रहा है इसको चलिए बाद में स्टडी करेंगे। ये जैसा हमें बताया गया था कई तरह की ब्लेड्स हमें देने का वादा किया था, ब्लेड्स देख के लग रहा है कि इन्होंने अपने वादा पूरा किया, क्योंकि मैंने डिफरेंट अलग अलग वीडियोस देख के इनके जो इन्होंने क्लेम किया था किसी में कोई ऑफर दिया था फ्री का कोई ऑफर दिया था, तो मैंने बताया था कि मुझे ये चाहिए तो उन्होंने मुझे दिया है। अभी मैं खोल के आपको दिखाऊंगा,
ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। हालांकि मैं कहना चाहूंगा कि इनका जो सर्विस सेंटर है काफी अच्छा है, बहुत आपकी सारी कॉल अगर आप कॉल करेंगे तो अक्सर बिजी आता है, लेकिन कॉल बैक ये जरूर करते हैं, जिसमें किसी किसी को ये अफसोस नहीं होगा कि कोई हमने कॉल किया हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला। देखिए एक पार्ट ये है छोटा सा, इसको जब हम असेंबल करेंगे तो फिर देखेंगे, अभी तो फिलहाल मैं आपको इनके सिर्फ सिस्टम दिखा रहा हूँ कैसे हैं। ये है इनका मेन इंजन और ये है बैकपैक, यही है जो हमें पीठ में डालना है। थोड़ा सा ढीला कर देता हूँ और फिर इसके बाद ट्राई करता हूँ। ये देखिए वजन तो काफी है, लेकिन हाँ इतना वजन तो किसान को सहना ही पड़ता है, ये कोई ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ये जो हिल रहा है इसकी वजह से एक एक्स्ट्रा फीलिंग आ रही है, लेकिन जब ट्रायल करेंगे जब हम डेमो करेंगे तब हमें ज्यादा मालूम चलेगा कि किस चीज का कैसा फंक्शन है। फिलहाल हम इसे असेंबल करते हैं, तब तक मैं आपको एक बार फिर दिखा दूं इसके पार्ट्स। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमने अब पूरी तरह से इसके सिस्टम्स खोल लिए हैं। ये एस राजा का 4-stroke 52 cc इंजन है, ये इसका जो स्टार्ट करने के लिए जो खींच के स्टार्ट किया जाता है, और यहाँ से शायद इसका पेट्रोल डाला जाता है, ये पेट्रोल टैंक है, और ये इसका एयर फिल्टर है, और इसको हम पीछे से देखेंगे तो ये वो केबल है जो आपके हैंडल से कनेक्ट होगी, और ज़्यादा डिटेल तो मुझे इसकी अभी नहीं मालूम, जब मैं पढ़ूंगा जब मैं अपने अगले वीडियो से इस पर डालूंगा तो मैं आपको जरूर इसके एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ से वो शायद लूम से अटैच होता है जो प्रेशर वगैरह बनाता होगा या जो भी सिस्टम इसका होगा, वो केबल जो ये वाली केबल है शायद ये केबल यहाँ से अटैच होती होगी, जिससे मेन सिस्टम जो हाइड्रोलिक वगैरह जो भी सिस्टम होगा वो उसको देता होगा पावर। अब हम ब्रेक पे आते हैं, ये सिंगल ब्रेक कही जाएगी, ये 80 टीथ ब्लेड है जिसे डायमंड कट भी कहते हैं शायद। अब डायमंड कट क्यों कहते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन जैसा मैंने यूट्यूब वीडियोस में देखा डायमंड कट वर्ड नॉर्मली यूज किया जाता है, और लग भी रहा है कि 80 टीथ होंगे इसमें। हट जाओ बुनो, हट जाओ। इसमें देखिए 80 टीथ में टिप भी लगा हुआ है, तो ये 80 टीथ ब्लेड हो गई। ये 3 टीथ है, ये देख सकते हैं आप 3 टीथ, ये एक और 80 टीथ, गलती से डाल दी इन्होंने या क्या किया मैं नहीं जानता, हालांकि इस तरह का वादा नहीं किया था, हो सकता है। देखिए ये एक और 80 टीथ प्लेट हो गई, शायद हमारा लक खुल गया। ये देखिए एक 3 टीथ और मिल गई, शायद हम अकेले लकी आदमी हैं जिसको इन्होंने इतनी सारी ब्लेड्स रिपीट कर दी। हाँ इन्होंने 40 टीथ का वादा किया था, 40 टीथ ना देखे इन्होंने मुझे 2 80 टीथ दे दी और 2 3 टीथ दे दी। चलिए हम 40 टीथ का क्लेम करेंगे इनसे, भले 80 टीथ डबल मिल गई हो कुछ तो फायदा उठाया जाए, क्योंकि भाई 80 टीथ 40 टीथ का एक अलग पर्पस है शायद। और ये चलिए हम टूल किट देख लेते हैं, इसके बारे में पूछना पड़ेगा कि इसकी तार ये छोटी क्यों है, इतनी छोटी तार से हम कैसे काटेंगे कोई चीज, इसके बारे में भी चलिए खोल के देखते हैं इसको। चलिए अभी मुझसे नहीं खुल रहा, टूल किट देखने एक बार से, टूल किट में इन्होंने क्या क्या दिया है, बोलो नहीं लेना कुछ, भाग जा हट जा।
इसमें एक ये प्लग खोलने वाला है, ये रिंच, छोटे रिंच, स्क्रू ड्राइवर, एक जाली है, शायद ऑयल फिल्टर, ऑयल की पेट्रोल के लिए है, और ये एलन की, एक एलन की और है छोटी, और दो तीन नट बोल्ट और हैं। जब हम इसको असेंबल करेंगे, असेंबल वाले वीडियो बनाएंगे, तब भी आप देख लीजिएगा। चलिए इसको देखते हैं। जैसे राजा साहब बोल रहे थे अपने वीडियोस में कि हम काफी लंबा क्रॉप कलेक्टर देने वाले हैं, और काफी वीडियोस में जब हमने रिव्यू देखा था वो यही कहते थे कि छोटे क्रॉप कलेक्टर से कई फसलों में दिक्कत आती है, धान वगैरह में। तो इसका हम साइज देखें, इसका क्या है साइज, ऊंचा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं, और जल्द ही नेक्स्ट वीडियो हम जब इसको अपने फील्ड पे उतारेंगे और जब कोई कटिंग करेंगे हम उसको दिखाएंगे, और इसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा हम इसकी 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, या एक पूरा 1 एकड़ खेत करके दिखाएंगे कितना टाइम लेता है, कितना पेट्रोल खाता है। तो इसकी आगे रिव्यू देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे और भी कई एक जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स है उसमें वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे। ये तो अभी शुरुआत है, इससे पहले हमने एक होंडा का बनाया था, होंडा का पंप हमने लिया था, तो अगर आप होंडा के पंप देखना चाहें तो आप हमारे दूसरे वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। और जो लोग नए हैं आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपस में किसान भाइयों से शेयर कीजिए। थैंक यू।